नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको कुछ गलतियों के बारे में बताने वाली हूं जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उनमें से कुछ महिलाएं ये गलती करती हैं जिसकी वजह से उनको जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं या बार बार पीरियड आ जाता है। तो सबसे पहली चीज जो गलती होती है वो ये है कि रेगुलर सेक्स ना करना। अभी मुझे नहीं पता है, कई सारे वीडियोज यूट्यूब पे ऐसे आ गए हैं जो आपको कह रहे हैं कि आप ओव्यूलेशन के बाद कोई पर्टिकुलर डेट पे आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं और उसके बाद आपको कर देना चाहिए सेक्स करना। तो ये जो है इसकी वजह से कई लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, ये गलत है। इसलिए गलत है कि देखिए, आप अगर प्रेग्नेंट हो भी गई हैं और उसके बाद अगर आप सेक्स करती हैं तो सेक्स का आपकी प्रेगनेंसी पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका पीरियड आ जाएगा, आपका मिसकैरेज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि लड़कियां अपना अंदाजा लगा के खुद ही कि ये मेरा ओव्यूलेशन डेट हो गया, अब ये मेरा इम्प्लांटेशन हो गया, अब मैं रुक जाती हूं, अब हम सेक्स नहीं करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि वो जो डेट होती है वो अगर शिफ्ट होती है, क्योंकि देखिए कोई फिक्स डेट नहीं होती है, ऐसे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, तो उसके आगे पीछे भी ओव्यूलेशन हो सकता है। तो अगर आपका ओव्यूलेशन, अगर आपने जो उम्मीद लगा रखी है जिस डेट पे, नहीं होता है और वो बाद में होता है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है कि हो सकता है बाद में, तो आपका तो वो ओव्यूलेशन का पीरियड चला जाएगा और आपकी प्रेगनेंसी वहां पे होगी नहीं। आप इसी भ्रम में रह जाएंगे कि बस जो डेट मैंने कैलकुलेट करी थी वही सही है और अब प्रेगनेंसी हो गई, अब मैं रुक जाती हूँ। ये गलती बहुत लोग कर रहे हैं और मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं मेरे व्हाट्सएप कंसल्टेशन में जो कि मुझे ये बात बोलते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि देखिए, अगर आप एक न्यूली मैरिड कपल हैं, अभी कुछ महीने ही हुए हैं आपको ट्राई करते हुए, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि अभी आप ओव्यूलेशन के चक्कर में और फर्टाइल पीरियड के चक्कर में ना पड़े और रेगुलरली आप रोज सेक्स करें अपना, जैसे करते हैं नॉर्मली। जिस दिन भी ओव्यूलेशन होगा उस दिन आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी उस टाइम पे। या अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं सेक्स, उतनी फ्रीक्वेंसी आपकी नहीं है, तो कम से कम एक दिन छोड़ के रोज, एक दिन छोड़ के मतलब ऑल्टरनेट डेज पे आप सेक्स जरूर करें, उससे आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ना कि इससे कि आप अपने 5 दिन अपने हिसाब से निकाल लें और उन बस 5 दिन में सेक्स करें और फिर बंद कर दें। ये बहुत बड़ी गलती है, इससे कई लोगों को क्या कहते हैं जल्दी प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आएगी। तो ये चीज, गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो मैरिड कपल साथ रह रहे हैं और रेगुलर सेक्स कर रहे हैं, उनके लिए ओव्यूलेशन की चिंता करना जरूरी नहीं है अगर अब तक कुछ महीने ही हुए हैं। अगर पूरे 1 साल हो गया है और आप ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आप जरूर कुछ जांचें आपको कराने की जरूरत है, ये पता करने की जरूरत है कि आपका ओव्यूलेशन एक्चुअली में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें तब जरूरी हैं। लेकिन 20s की एज है, नई नई शादी भी है, कुछ महीने हुए हैं, तो आपको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए अगर आप जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। तो आजकल जो रिसर्च हो रही है उसमें ये पाया गया है कि अगर आप रेगुलर सेक्स करते हैं, रोज सेक्स करते हैं, तो आपकी संभावना सबसे ज्यादा होती है प्रेग्नेंट होने की। कई लोग इतना फ्रीक्वेंट नहीं करते हैं क्योंकि सब लोग की अपनी पर्सनल चॉइस और रिक्वायरमेंट होती है, तो एक दिन छोड़ के करें। अब इससे कम अगर आप करेंगे, हफ्ते में सिर्फ 2-3 बार कर रहे हैं सेक्स, तो ये भी आपके प्रेग्नेंट होने में बाधक बनता है और इससे भी आपको जल्दी आप प्रेग्नेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो कुछ गलतियां हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि मैम, हम सेक्स करते हैं तो हमारा जो भी सिमेन अंदर गया रहता है वेजाइना के, वो एकदम से बाहर निकल आता है और उसकी वजह से हमारी प्रेग्नेंसी नहीं हो रही। पहली चीज, इस गलतफहमी को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, इससे कुछ नहीं होता है। जो स्पर्म्स होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, वो तो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। वो तो जब आपका सिमेन अंदर जाता है, वो फ्लूइड्स में मिलके ऊपर को आपके बच्चेदानी के मुंह के थ्रू, वो ऊपर बच्चेदानी में और फेलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं, वहां एग होता है तो उसको फर्टिलाइज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। और जो ये डिस्चार्ज होता है, ये सभी का निकलता है सेक्स के बाद, तो ये कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। लेकिन फिर भी एक रिकमेंडेशन है कि जो लोग जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, वो थोड़ी देर महिला सेक्स के बाद लेटी रहे, 10-15 मिनट तो ज्यादा ठीक होता है, कई लोग कहते हैं। तो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, हालांकि इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन फिर भी जो इनफर्टाइल कपल्स हैं, अगर वो नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर्स उनसे ये भी सलाह देते हैं कि आप जो महिला है वो थोड़ी देर 10-15 मिनट सेक्स के बाद लेटी रहें और फिर खड़े हों। हालांकि ये कोई बहुत साइंटिफिक तरीका नहीं है, क्योंकि डिस्चार्ज का बाहर जाना एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो कि हर सेक्शुअल इंटरकोर्स के बाद हर कोई के साथ होती है। तो
अगर आपके साथ हो रहा है तो ये कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है। तो ठीक है, एक चीज ये है, अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं मन के सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ लेटे रहें थोड़ी देर तक तो ठीक रहेगा। ठीक है, और दूसरी चीज कई बार क्या होता है, एक केस मुझे याद है कि उसमें पेशेंट थी, उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, तो उनसे पूछा गया कि क्या कहते हैं कि ओव्यूलेशन के टाइम पे उनकी ये कंप्लेंट थी कि उनको हर महीने में लगभग मिड साइकिल में पेन होता है बहुत ज्यादा। तो ये एक सिम्टम है जो कुछ महिलाओं को होता है कि उनको ओव्यूलेशन के टाइम पे पेन होता है, तो उनको पेन होता था तो वो अपने हस्बैंड को पास नहीं आने देती थी और उस टाइम पे वो लोग सेक्स नहीं करते थे, तो उस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। उनको पता ही नहीं था कि ये जो पेन हो रहा है ये ओव्यूलेशन का पेन है और इस टाइम पे सेक्स करना जरूरी है तभी प्रेगनेंसी हो पाएगी। तो उन्हें जब ये बात बता दी गई तो उन्होंने फिर वही किया, उस टाइम पे सेक्स किया और जल्दी ही प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। तो कई बार जानकारी के अभाव की वजह से महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। एक केस मेरे पास ऐसा आया था जिसमें कि नई नई शादी हुई थी उनकी और उन्होंने महीने में सिर्फ एक दिन सेक्स किया और मेरे से पूछ रही है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, प्रेगनेंसी होगी कि नहीं। तो मैंने पूछा आपकी शादी हो गई है, आपने सिर्फ एक ही दिन सेक्स किया। तो उन्होंने कहीं वीडियोस देखे होंगे या मेरे भी वीडियोस हैं जिसमें मैं बताती हूँ कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर आपने एक बार किया है तो उसके 21 दिन के बाद टेस्ट करना है। तो उन्होंने उससे ये उनका जो जवाब था काफी मतलब चाइल्डिश था कि इनोसेंट सा था मुझे लगा। जब मैंने कहा कि आपने एक ही दिन क्यों सेक्स किया अगर आपको मतलब प्रेगनेंसी चाहिए, तो मैंने तो फिर अगर मैं एक दिन नहीं करूंगी तो फिर ज्यादा दिन करूंगी तो पता कैसे चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं और मैं फिर काउंट किस दिन से करूंगी। मैंने कहा ये कोई इश्यू नहीं है क्योंकि जो हम बोलते हैं कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 3 हफ्ते के बाद टेस्ट करना चाहिए वो उन लोगों के लिए बोलते हैं, एक तो जिन लोग की शादी नहीं हुई है, जो एक ही बार अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया होता है तो उनको अपनी डेट पता होती है ना कि हमने इस दिन सेक्स किया था, हमारा कॉन्डम फट गया या हम वो हो गया, तो उनके लिए है वो डेट। जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए ये कोई इशू नहीं है कि उनको सेक्स की डेट से काउंट करना है कि किस दिन उनको टेस्ट करना है, उनको तो जब उनका पीरियड होगा नहीं आएगा पीरियड अगला एक्सपेक्टेड डेट पे तो उससे 10 दिन बाद टेस्ट करना है। तो इस तरीके से कई बचकानी बातें भी होती हैं, कई इनोसेंट सी चीजें भी होती हैं जो लड़कियां बहुत भ्रम में रह जाती हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड। लेकिन जो सही चीज है, अगर सब कुछ आपके साथ ठीक है, हस्बैंड का सब कुछ ठीक है, उनका जो स्पर्म काउंट वगैरह है सब कुछ ठीक है, वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको रेगुलर सेक्स करना चाहिए और रेगुलर सेक्स से ही आपके मैक्सिमम चांसेस बनते हैं प्रेग्नेंट होने के। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल सके और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।